नमस्कार, न्यूज 11 से मैं राजकुमार मिश्रा। रिलायंस पावर प्लांट सिंगरौली का डैम टूटा, कई एकड़ में भरा पानी, मचा हड़कंप, कई घर व परिवार फंसे। सिंगरौली एसआर कंपनी व एनटीपीसी का डैम टूटने की घटना को लोग भूले नहीं कि शुक्रवार की शाम रिलायंस शासन पावर प्लांट सिंगरौली का डैम अचानक टूट गया। डैम टूटने के बाद राखड़ युक्त पानी वहां करीब कई एकड़ जमीन को अपनी लपेटे में ले लिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कई घर व परिवार पानी में बह गए। पूरा इलाके में पानी भर जाने से काम के लिए इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसमें क्या आप यहां पे क्या कुछ कहना चाहती हैं? हम कहना ये चाहते हैं, पहले तो हम रिलायंस कंपनी पर कार्रवाई की मांग करते हैं। यहाँ भाइयों ने 23 दिन का धरना दिया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, उन्हें प्रताड़ित करके मारकर भगाया गया था। ये बार बार लापरवाही कुछ ऐसा नहीं है कि पहली बार इसको दिखाया गया या दर्शाया जा रहा है। ये कोई कुदरती बाढ़ नहीं आई है, इस बात को आप सब समझिए। आप मीडिया आप आवाज उठाएंगे तब आवाज दूर तक पहुंचेगी, नहीं तो कोरोना तो ऐसे भी महामारी में क्या मरेगा आदमी, इससे ज्यादा क्या मरेगा। हम लोग की आंखों देखते घटना हो गई, इसलिए इस बात को नजरअंदाज न करते हुए और सरकार अभी हम उम्मीद करते हैं उचित कार्रवाई होगी। अभी हम रुकेंगे, अभी हमें उम्मीद है, अभी कितनी लाशें दबी हमें खुद नहीं पता। वहाँ जाकर देखिए पैर रख रहे हैं पत्थर जैसा हुआ है, बैल भी हैं, बकरियाँ भी हैं, जानवर हैं, कितने जानवर हैं, कितनी क्षति हुई है। अभी सुबह बोल रहे थे कि ये टीम आ रही है, रेस्क्यू टीम आ रही है, निकाला जाएगा, वाराणसी से आ रही है। अभी सुबह तक होगा ना भाई, सुबह तक तो लग जाएगा। अभी सुबह तक हम देखते हैं क्या इनकी कार्रवाई होती है। हर बार की तरह आश्वासन दिया जाता है, किस बात पर गंभीरता से इसको भी नजरअंदाज न करते हुए इस पर कार्रवाई होगी या ये क्या करते हैं। हम तो उचित मुआवजे की भी मांग करते हैं, पर मुआवजा अब लेने वाला कौन है, कौन लेने वाला है। लेकिन जिस तरह बहन बता रही है कि इनके परिवार कितने सदस्य हैं, हम अपील करते हैं सरकार से कि इसको नजरअंदाज न करें, इन पर उचित कार्रवाई जल्द से जल्द हो।